आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पेशल, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गंडवाल। लगातार बारिश से उत्तराखंड के कई इलाकों में तबाही मची हुई है। कोटद्वार में लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए हैं, घरों के आगे सैलाब बह रहा है और उसी में मकान लहरों में समा रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश का कहर इस कदर तांडव मचा रहा है कि ये तस्वीरें वहां की हालत बयान करने के लिए काफी हैं। बीते कुछ सालों से उत्तराखंड के लिए बारिश एक भयावह त्रासदी साबित हो रही है। कोटद्वार के हालात तो बेहद खराब हैं, जहां बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी है। पानी की लहरें ऐसी कि मानो सब कुछ अपने आगोश में लेकर ही छोड़ेंगी। तीन दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते कोटद्वार में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। प्रलय मचाती लहरों से तबाही की इससे भयानक तस्वीर और क्या हो सकती है। ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि भयानक लहरों के आगे ये मकान महज किस कदर ढह गया। लगातार बारिश से कोटद्वार के आम पड़ाव में बरसाती नाले की चपेट में आने से दो मंजिला मकान भर भरा कर गिर गया है। बारिश का पानी गिवाई स्रोत में इस कदर उफान पर चढ़ा कि उसके किनारे का मकान लहरों के आगे तिनका साबित हुआ। ठीक एक दिन पहले कोटद्वार से ही आई ऐसी ही एक और तस्वीर अब भी आपके जहन में ताजी होगी, जहां विनाशकारी लहरों के आगे ये बिल्डिंग 3 सेकंड भी नहीं टिक सकी और देखते ही देखते सैलाब में समा गई। करीब 2 मंजिला ये पक्का मकान लहरों की ताकत के आगे भर भरा कर पानी में जा गिरा। यानी गढ़वाल का गेट कहे जाने वाले कोटद्वार में तबाही का ब्रेक पूरी तरह से फेल हो चुका है। नदी की लहरों ने जब उफन कर अपना दायरा तोड़ दिया तो ये मकान भी उनके आगे नतमस्तक हो गया और पल भर में पानी में जल समाधि ले गया। गनीमत की बात ये रही कि खतरे को देखते हुए मकान को पहले ही खाली करा लिया गया था, जिससे जान का नुकसान होने से बच गया। कोटद्वार में लगातार बारिश ने हर तरफ जमकर तबाही मचाई है। यहाँ नदी नाले सब उफान पर हैं। कहीं मकान बारिश के बाद जमींदोज हो गए हैं तो कहीं शहर में जैसे सुनामी आ गई है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि शहर के भीतर किस तरह भीषण लहरें उफान भर रही हैं, मानो शहर न होकर समंदर हो। विनाशकारी लहरों की इन तस्वीरों को देखकर आप सिहर उठेंगे। सोचिए उन लोगों की क्या हालत होगी जो इन लहरों के बीच अपने घरों में कैद होंगे। घरों के अंदर पानी की लहरों को देखकर सिहरने को मजबूर हैं। कोटद्वार के कई इलाकों की ऐसी ही हालत है, कहीं गाड़ियां डूबी हुई हैं, कहीं मकान डूबे हुए हैं। लहरों से इस महिला का खौफ सुनिए। अपने घर की छत पर खड़ी ये महिला भयानक लहरों को देखकर किस कदर डरी हुई है और स्कूल जाने को तैयार अपने बच्चे को रोक रही है। इसको स्कूल जाने की लगी हुई है, कह दिया था ये पानी में, इसको स्कूल जाने की लगी हुई है। कोटद्वार का करीब 60% इलाका बारिश और बाढ़ की मार झेल रहा है। 2 घर ढहने की पुष्टि प्रशासन कर चुका है। अब इन 3 तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आसानी से कोटद्वार पर आई कुदरती तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। कोटद्वार के काशीरामपुर तल्ला में जल भराव होने से पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुस गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश और बाढ़ ने कोटद्वार में आपदा की शक्ल इख्तियार कर ली है। कुछ ही घंटों की बारिश ने यहां जिंदगी को ठप कर दिया है। हालांकि प्रशासन लगातार राहत पहुंचाने और हालात सामान्य होने की बात कर रही है। कल काफ़ी बारिश हुई थी, जिससे जितने भी लो लाइंग एरियाज थे वहाँ पानी भर गया था। वर्तमान में स्थिति सामान्य, बारिश बंद हो गई है, पानी रिसीड हो गया। हमने राहत शिविर बना लिया है JIC नजीमाबाद चौक में, वहाँ पर जो भी अफेक्टेड लोग हैं उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा जहाँ भी पानी भरा है उसके निकालने के लिए JCB लगाई गई है। लगातार मूसलाधार बारिश ने कोटद्वार बद्रीनाथ रोड पर भूस्खलन से कोटद्वार बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 50 मीटर सड़क नदी में समा गई है। यात्री जान जोखिम में रखकर मलबे के ऊपर से आवाजाही करने को मजबूर हैं। हाईवे को खोलने में 2 या 3 दिन का समय लग सकता है। उत्तराखंड पर आई इस तबाही से अभी लोगों को राहत मिलने के आसार नहीं है, क्योंकि आसमानी आफत का खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने फिलहाल और बारिश का अनुमान जताया है।
गणेश तिवारी, कोटद्वार, आज तक। उत्तराखंड में बेहिसाब बारिश से नदियों में उफान है। गंगा समेत तमाम नदियां कोहराम मचा रही हैं। एक तो नदियों में उफान, ऊपर से दरकते पहाड़ भी हाहाकार मचाए हुए हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश से हर तरफ पानी ही पानी है। क्या खेत, क्या शहर, क्या कस्बे, हर तरफ कुदरत पानी के रूप में तांडव कर रही है। जल सैलाब के सामने इंसान ठिठक कर रह गया है। आसमान से बारिश की जगह आफत बरस रही है, क्योंकि पानी का हाहाकार चारों तरफ दिखाई दे रहा है। लगातार बारिश से एक तरफ नदियों में सैलाब आया हुआ है, तो दूसरी तरफ पहाड़ों के टूटकर दरकने का भी सिलसिला जारी है। देखिए पहाड़ों के नीचे से जमीन खिसकने का खौफनाक मंजर। जहां नजर घुमाओ वहां सिर्फ और सिर्फ पानी और बर्बादी का मंजर नजर आता है। ये तस्वीरें हल्द्वानी की हैं, जहां लगातार बारिश के बाद इलाके की नदियों ने हाहाकारी रूप इख्तियार कर लिया है। किसानों की फसलें पानी में बर्बाद होती नजर आ रही है। किसानों के खेतों में इतना पानी बह रहा है कि मानो वहां खेत ना हो, कोई नदी हो जहां सैलाब आया हुआ है। नदी नाले में आए उफान के बाद आसपास का पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे सड़क पर झरना बह रहा है। सड़क पर कई फीट तक पानी जमा हो चुका है। पूरी सड़क ही सैलाब में समा चुकी है। यहाँ हाईवे पर आवाजाही ठप है, लेकिन इन सब के बावजूद लोग जान हथेली में लेकर पानी भरे रास्ते पर गाड़ियां ले जा रहे हैं। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के बाद ऋषिकेश में गंगा बड़े विकराल रूप से बह रही है। ऋषिकेश के सभी घाट पानी में डूब चुके हैं और गंगा की आरतियां अपनी जगह से काफी ऊपर हो रही है। घाटों की सीढ़ियों को गंगा ने अपनी आगोश में ले लिया है। पानी घाटों पर बने पुलों के ऊपर से बह रहा है। नीचे कुंड हुआ करता था, अग्नि कुंड, जहां पर बाकायदा हवन किया जाता था, लेकिन अब चूंकि वो पूरा जल प्रवाहित हो चुका है, लेकिन ऐसे में गंगा आरती नहीं रुकी है। गंगा आरती अपने पूरे उसी अंदाज में है। आप देख सकते हैं पीछे के पूरे लोग यहाँ गंगा आरती में सम्मिलित है। बागेश्वर में भारी बारिश से सरयू और गोमती नदी की लहरें गरज रही हैं। उफनती लहरें किनारों पर लगातार तहस नहस मचा रही हैं। बागेश्वर संगम पर बने घाट सरयू नदी के प्रचंड प्रवाह में डूब चुके हैं। तीनों नदियों का संगम किसी दरिया से कम नहीं लग रहा। बरसात के पानी से लहरें इतनी ताकतवर हो चुकी हैं कि किनारों पर खड़े होने में भी लोगों की रूह कांप रही है। लगातार बारिश से बागेश्वर से ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली आधी दर्जन सड़कें भूस्खलन की वजह से बंद हैं। बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र के कुवारी और मल्लाफेर गांव में पहाड़ियां खिसकने लगी हैं। चंपावत में भी लगातार बारिश से पहाड़ टूट टूट कर गिर रहे हैं। चंपावत में भूस्खलन की वजह से एक बार रास्ता बंद हो गया। पहाड़ों से गिर रहे मलबे में सड़कों पर गाड़ियां फंसी हुई हैं। कई जगहों पर रास्ते को डाइवर्ट किया गया है। तमाम मुश्किलों के बीच चंपावत में रास्ते को साफ करने की लगातार कोशिशें जारी हैं। उत्तराखंड में हर तरफ बारिश और बाढ़ की आफत है। यहाँ की कुदरत की मार ने जिंदगी को तहस नहस कर दिया है। बागेश्वर से जगदीश पांडे, हल्द्वानी से राहुल सिंह धर्मवाल और कृष्ण गोविंद कंसवाल के साथ दिलीप सिंह राठौड़, ऋषिकेश आज तक। उत्तर भारत में एक तरफ बारिश से पहाड़ों पर नदियों ने तबाही मचा रखी है, तो दूसरी तरफ दरकते पहाड़ भी हाहाकार मचाए हुए हैं। क्या बारिश, क्या बाढ़, पहाड़ों के भरभराते मलबे ने जिंदगी ठप कर दी है। पहाड़ों पर बारिश से क्या उत्तराखंड, क्या जम्मू कश्मीर, हर तरफ मुश्किलें ही मुश्किलें।
जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रामबन के पास पहाड़ फिर दरकने से भारी मलबा हाईवे पर भरभरा कर गिराया, जिसकी वजह से हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इस भारी भरकम पत्थर को देखिए, अगर इसकी चपेट में कोई आ जाता तो क्या होता। मलबा गिरने से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात ठप हो गया। ट्रकों और छोटे वाहनों की लंबी कतार हाईवे पर लगी रही। रक्षाबंधन पर आने जाने वाले लोग परेशान रहे। हालांकि प्रशासन ने लंबी कोशिशों के बाद आंशिक तौर पर यातायात को बहाल कर दिया है। ये जो स्पॉट है इज मोस्ट वल्नरेबल, पहले भी यहाँ स्लाइड्स आए हैं, तो नेशनल हाईवे का काम जारी होने से मजीद इसमें ट्रिगर हो गया है। हाईवे पर भूस्खलन के चलते शुक्रवार से ही मुसाफिरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। राहगीर इस बात के इंतजार में रहे कि कब उन्हें हाईवे बहाल होने की खबर मिले और वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ सके। हाईवे को बहाल करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही हाईवे को पूरी तरह से यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। अश्वनी कुमार, जम्मू आज तक। बारिश के चलते पहाड़ों में नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी स्थिति बदतर है। नदी झरनों में बढ़ते जलस्तर से मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही। इन लोगों को देखिए, कैसे ये पानी के तेज बहाव में अपनी जिंदगी की सलामती के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ये तो निकले अपने पास के झरने में नहाने, लेकिन इन्हें क्या पता कि तेज बहाव में फंस जाएंगे। बिहार के रोहतास जिले की कैमूर पहाड़ी पर तुतला भवानी मंदिर के पास झरने के पानी का बहाव अचानक तेज हो जाने के कारण उसमें नहा रहे कुछ लोग फंस गए। बारिश में पानी का जलस्तर बढ़ जाने से झरने का प्रचंड रूप लोगों के सामने मुसीबत के तौर पर आया। देखते ही देखते पानी का जलस्तर बढ़ रहा था, लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। लोग एक दूसरे का हाथ थाम कर चट्टान की तरह पानी में डट गए और लोगों को सुरक्षित तेज बहाव से बाहर निकाला जा सका। खतरे में अगर एक दूसरे का साथ होता है तो कैसे जिंदगी सही सलामत बच निकलती है, इसकी एक मिसाल यूपी के बिजनौर से सामने आई। जिनकी मदद से हमने ये ऑपरेशन, यहाँ पर नदी में एकाएक पानी बढ़ जाने से खुदाई कर रहे 18 मजदूरों की जान पर बनाई। प्रशासन की सूझबूझ और मुस्तैदी से सभी 18 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। आसपास के लोगों और पुलिस की मदद से रस्सी के जरिए मजदूरों को बचाया जा सका। इसी के साथ हमारे लिए वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन खबरों के डबल डोज के साथ हाजिर होंगे 11 बजे नेहा और मैं एक और 11 लेकर। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।